बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यो या क्यूम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ुल्फ़िकार हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं बरकत फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ खोया मैंगो लस्सी। खोया मैंगो मिल्क शेक तो सभी ने बनाया है और भी मैंगो के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन आज मैं आपको दही के साथ इसकी लस्सी बनाने बता रहा हूँ, जो हमारे फैसलाबाद में बंगाली वालों की लस्सी मशहूर है, वैसी लस्सी मैंने बनाने जा रहा हूँ और ये उन्हीं की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मैंगो लस्सी बनाएंगे जी, दही वाली, ठीक है। और उसमें खोया भी शामिल करेंगे, दही भी शामिल करेंगे, खोया शामिल करेंगे, चीनी है, दूध है और आम है मेरे पास। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी सी रेसिपी बनाएंगे। ये एक आम है, इसको छील लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौंसा आम है जी, चौंसे आम से बनाएंगे हम लस्सी, मैंगो खोया लस्सी या खोया मैंगो लस्सी, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है इसका, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जी। इसको आप बना के एक मरतबा ज़रूर चेक करें, हमने तो पहले चेक की है फिर बना रहे हैं जी। तो बहुत मज़ेदार टेस्ट था इसका, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो बार बार बनाएं, ना आए तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लें आम को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको ग्राइंडर में शामिल कर देंगे जी, ये देखें ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें खोया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूध थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 1.5 पाव दही मैंने डाला है इसमें और 1/2 पाव दूध डाला था, एक आम है और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच चीनी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसमें बर्फ़ डालनी है तो इसको थोड़ा सा टच देना है लस्सी वाला। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको ऐसे गड़वे में डाल लूँगा, ये देखें और इसमें शामिल कर देंगे बर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बर्फ़ है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको बनाएंगे लस्सी। बर्फ़ थोड़ी सी और शामिल करेंगे, एक बॉल था बर्फ़ का जो मैंने आधे से ज़्यादा डाला है। अब इसकी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारी लस्सी बनी है, खोया मैंगो लस्सी।
क्या बात है। अगर आप इसमें ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्रीम भी शामिल कर लें, फिर देखें क्या बात है जी। खोया मैंगो क्रीमी लस्सी, क्या बात है। इसको जग में शामिल करता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें लस्सी की पहचान ये है कि मिल्क शेक पे ऐसे झाग नहीं आती। ये देखें जैसे इस पर ऊपर झाग आई है, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जी, बिस्मिल्लाह। ये हमारी लस्सी ऑथेंटिक मैंगो लस्सी, ये देखें क्या बात है। खोया मैंगो लस्सी तैयार है जी एकदम से। अब इसको बिस्मिल्लाह इसको आप घर में भी बना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पर भी बना सकते हैं, अपना कारोबार भी इससे कर सकते हैं। अगर आप दही लस्सी का कारोबार करते हैं तो ये अलहदा आपकी एक आइटम हो जाएगी कि जी मैंगो खोया मैंगो लस्सी, ठीक है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। या हय्यो या क्यों।